प्रॉन्स और नूडल्स मुझे बहुत पसंद हैं, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं गार्लिक बटर प्रॉन्स विद नूडल्स की रेसिपी। सबसे पहले 400 ग्राम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे सॉल्ट डालकर, और कुक हो जाएंगे तो स्ट्रेन कर लेंगे। ये तकरीबन आधा किलो प्रॉन्स ले लिए, इनको डीवेन कर लिए और शेल्स उतार दिए। अब इनको एक इस तरह के सांचे में इस तरह से फ्लावर्स की तरह, पेटल्स की तरह लगाते जाऊंगी। अगर आप एयर फ्राई में इनको कुक नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप इनको पैन में कुक कर सकते हैं। सेंटर में भी इसी तरह से लगा देंगे। अब हम इन प्रॉन्स की ड्रेसिंग बनाएंगे। एक बोल में 2 चम्मच बटर ले लेंगे, 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 चम्मच पेरी पेरी सॉस, तकरीबन थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमने स्पेगेटी को भी सॉल्ट के साथ बॉईल किया है और सॉसेज में भी सॉल्ट है, तो इसलिए सॉल्ट जरा कम रखेंगे। 1 चम्मच क्रश रेड चिलीज, 1 चम्मच फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच डार्क सोया सॉस। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने प्रॉन्स के अंदर ऐड कर देंगे। इसको डायरेक्टली अगर मैं एयर फ्रायर में कुक करूंगी तो ये सारी सॉसेस और प्रॉन्स का अपना सारे जूसेस और फ्लेवर सारा नीचे को बह जाएगा, इसलिए मैं इसको इस सांचे के अंदर कुक कर रही हूं। अगर आप इसको एयर फ्रायर में कुक नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह से सब कुछ ऐड करके इसको पैन में कुक कर लें अंटिल द प्रॉन्स आर कुक्ड। अब हम अपने श्रिम्प्स को एयर फ्रायर के अंदर तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के लिए 200 डिग्रीज पर रख देंगे और एयर फ्रायर को स्टार्ट कर देंगे। हमारे प्रॉन्स कुक हो गए तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। जो प्रॉन्स वाला मिक्सचर है उसकी सॉसेज अभी तक अंदर रनिंग है। सांचे में कुक करने का यही फायदा हुआ है कि सॉसेज इंटैक्ट हैं। और आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दीज वीडियोज, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट वुड मीन अ लॉट।